तीन युवाओं ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए एक कुत्ते को कई फीट हवा में उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर युवाओं की इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं राइट फाउंडेशन ने एसपी मंडी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंडी जिला के त्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटिंडी पंचायत का है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में तीन युवा नजर आ रहे हैं। वीडियो शुरू होते ही एक गाना बजता है। एक युवा सड़क पर लेटे कुत्ते को उसकी चमड़ी से पकड़कर कई फीट हवा में उछालकर साथ वाली झाड़ियों में फेंक देता है। कुत्ता सड़क से नीचे झाड़ियों में मुंह के बल गिरता है और उसके बाद वीडियो में दो और युवा आते हैं और तीनों नाचने लग जाते हैं। यह तीनों नाचते हुए ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे इन्होंने कोई बड़ा तीर मारा हो। 15 सेकंड का यह वीडियो जब राइट फाउंडेशन के पास पहुंचा तो उन्होंने इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट एसपी मंडी को सौंपी। राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने एसपी मंडी से तीनों युवाओं के खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग उठाई है ताकि जानवरों के साथ हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की जा सके। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संदर्भ में एसएचओ पधर को एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में जो बातें सामने आएगी उसी आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि कुत्ते के साथ इस प्रकार के अत्याचार का एक मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में भी सामने आया था। यहां भी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसी के तहत अब मंडी जिला पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करने जा रही है। इस संबंध में हमें एक राइट्स फाउंडेशन की ओर से एक मेल मिली है। हमने एसएचओ पद्धर को डायरेक्शन दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन करके उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करें। मैं सुरेश कुमार, प्रेजिडेंट राइट फाउंडेशन। आज हमें कटौड़ा कटिंडी से एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि कुछ लड़के डांस कर रहे हैं और डांस करते हुए उन लोगों ने उनमें से एक लड़के ने ये वहाँ पे पड़े हुए एक रोड पे सोए हुए कुत्ते को उसकी चमड़ी से उठा के फेंका, जो कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध है। इसके बारे में हमने पुलिस अधीक्षक मंडी को शिकायत पत्र लिखा है और मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।